दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक ऐसा स्पीकर जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ पार्टी स्पीकर, साथ ही साथ अगर आपको गाने का भी है शौक और उसको यूज करना चाहते हैं माइक के साथ भी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बोट पार्टी पाल स्पीकर के बारे में, और उसमें हम आपको पूरा का पूरा एक सिंगिंग टेस्ट भी करके दिखाएंगे। उसके साथ जो आपको माइक मिलता है उसकी क्वालिटी भी आपको बताएंगे, और आपको एक दो तीन गाने भी इसमें सुनाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना पावरफुल है इसका साउंड, प्लस जो इसका सिंगिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है ऑडियंस को। तो दोस्तों, ये है वो माइक जो आपको बोट के पार्टी पाल स्पीकर के साथ मिलता है। अगर माइक की क्वालिटी की मैं बात करूं तो मुझे ये अबव एवरेज क्वालिटीज की लगी, अच्छा माइक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सिंगिंग करते हैं तो हो सकता है आपको एक एडवांस लेवल का माइक चाहिए हो, लेकिन अगर आप घर में छोटी मोटी पार्टी करते हैं, कुछ बर्थडे फंक्शंस वगैरह होते हैं जहां पे आपको एक माइक की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा माइक है। अगर माइक की क्वालिटी की बात करूं बहुत अच्छा है, और इसकी वायर जो है ऑलमोस्ट अराउंड आपको 3 मीटर लंबी मिल जाती है, जिससे कि आप इसका अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। अगर आप वॉक करके भी थोड़ा बहुत गाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं आसपास घूम के। माइक को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे माइक का स्लॉट बना हुआ है, इसके अंदर आपको इस वायर को डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, जिससे कि आपको इसको ऑन करना है स्पीकर को, और उसके बाद आप देखेंगे कि मेरी जो आवाज है वो माइक पे आने लग गई है। अब आप अगर इसके इको को प्लस या माइनस करना चाहते हैं, कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो अभी मैंने इसकी इको को फुल कर रखा है, तो अभी आपको आवाज ऐसी आ रही है। एक बारी मैं इसको कम करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो अभी मैंने इसको कम कर लिया है, तो अब आप देखेंगे कि मेरी जो आवाज है इसमें इको बहुत कम आ रहा है। अभी मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है, तो बहुत ही कम इको मेरी आवाज में आ रहा है। एक बार दोबारा से मैं आपको फुल करके दिखा देता हूं, तो अब आप देखेंगे ये फुल है और कुछ इस तरीके से इको इसके अंदर आ रहा है। और अगर आप माइक के वॉल्यूम को प्लस या माइनस करना चाहते हैं, कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये नॉब दिया हुआ है। अभी मैंने इसके वॉल्यूम को फुल कर रखा है, अब एक बार मैं इसको कम करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि माइक का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। तो पहला गाना है मुसाफिर हूँ यारो, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां, तुझे सब है पता मेरी मां, तुझे सब है पता मेरी माँ। तो अगला जो सॉन्ग मैं गाने वाला हूँ वो है पल पल दिल के पास। इसकी जंग लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके का है इसका माइक का एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो अभी मैंने इसके इको को बिल्कुल बंद कर दिया है, तो अब मैं आपको आगे की जो लाइन है वो एक बार गा के सुनाता हूँ। हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक हल्का हल्का सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो दोस्तों, अगर आप भी कैरोके वगैरह के सॉन्ग इसमें प्ले करना चाहते हैं, पीछे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं और उसके साथ गाना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। अपने मोबाइल से के ब्लूटूथ को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप अपना पीछे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला सकते हैं और यहाँ पे आप इस माइक पर गा सकते हैं। मैं अभी वो आपको करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं कोई भी कैरोके इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक उसमें प्ले करूंगा तो हो सकता है मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए, तो इसलिए मैं आपको वो करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। हालांकि मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे आप देखेंगे, मेरे बोलते बोलते पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इसे कनेक्ट कर सकते हैं।
भी किस तरीके से हम इसको सिंगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि मेरी आवाज बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा सिंगिंग करते हैं तो डेफिनेटली एक मस्ट बाय प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। और माइक की क्वालिटी भी अबव एवरेज है, एवरेज तो नहीं कहूंगा अबव एवरेज कहूंगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सिंगिंग करना चाहते हैं तो एक अच्छा माइक और इसके साथ एडिशनल खरीद के इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें।